kids, how are you? I hope you all are happy, healthy and safe at home. And kids, you should use paper bag or jute bag. Okay, we have done this activity also now. तो आपको मम्मा को पापा को सबको बोलना है डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग से नो टू प्लास्टिक बैग एंड यूज पेपर बैग और जूट बैग और यू कैन मेक क्लोथ बैग फ्रॉम योर ओल्ड क्लोथ्स. मम्मा पुरानी कपड़ों से क्लोथ बैग भी बना सकती है. ओके सो से नो टू प्लास्टिक बैग. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. आई एम हियर विद द मैथ्स क्लास एंड वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट्स इन असाइनमेंट. बट उससे पहले क्या करते हैं? वी ऑलवेज डू रिवीजन. ओके सो लेट्स रिवाइज नंबर्स विच वी हैव ऑलरेडी डन. सी मैम ने यहाँ पे क्या लगाए हैं? मैम हैव पुट फ्लैश कार्ड्स ओवर हियर. सो वी विल रिकॉग्नाइज द नंबर एंड वी विल काउंट द थिंग्स. सी दिस इज नंबर वन एंड दिस इज वन मैंगो. हाउ मेनी मैंगोज? वन मैंगो. दिस इज नंबर टू एंड हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? वन टू टू स्टार्स. And this is number three. And how many balloons are there? Let's count them. One, two, three. Three balloons. And this is number four. And which shape is this? Anu ma'am ne karai hai na? Square. So let's count these squares. One, two, three, four. Four squares. ओके एंड दिस इज नंबर फाइव एंड काउंट दिस फ्लावर्स. वन टू थ्री फोर फाइव. फाइव फ्लावर्स एंड दिस इज नंबर सिक्स एंड लेट्स काउंट ऑल द कैंडल्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सिक्स कैंडल्स एंड दिस इज नंबर सेवन. And see, there are yummy yummy ice creams. Let's count them. One, two, three, four, five, six, seven. Seven ice creams. And this is number eight. And we will count these balls. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So these are eight balls. मैम ने तो रिवीजन करवा दी. नाउ मैम विल चेक कि आपको कितना लर्न हुआ है. ओके नाउ मैम इज गोइंग टू शो यू सम कटआउट ऑफ नंबर्स एंड शेप ऑल्सो बिकॉज आर वर्कशीट्स आर बेस्ड ऑन नंबर एंड शेप. सो गेट रेडी. टेल मी विच नंबर इज दिस? टेल मी टेल मी. यस थ्री. दिस इज नंबर थ्री. अब मैम यहाँ पे इसको पुट कर देती हैं. सी दिस इज आवर मैग्नेटिक बोर्ड एंड विच नंबर इज दिस? फोर. यस वेरी गुड. नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस? सेवन. दिस इज नंबर सेवन. मैम को आपकी आवाज आ रही है? आप कौन कौन राइट आंसर दे रहे हैं? नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस? सिक्स. वेरी गुड. दिस इज नंबर सिक्स. एंड विच नंबर इज दिस? फाइव. वेरी गुड. दिस इज नंबर फाइव. एंड नाउ टेल मी विच नंबर इज दिस? वन. वेरी गुड. ओके नाउ नेक्स्ट नंबर इज एट. विच नंबर इज दिस? एट. So and there is one more number. Which number is this? Tell me, tell me. अभी मैम ने रिविजन कराई एंड वी हैव डन लॉट ऑफ रिविजन ऑफ नंबर्स. टेल मी विच नंबर इज दिस? टू. वेरी गुड. दिस इज नंबर टू. और मैम ने एक शेप भी आपको यहाँ पे कराई है. विच शेप इज दिस? टेल मी. स्क्वायर.
is a square and square has four equal sides. So now come, let's do worksheet in your assignment. Okay, first worksheet you have to do on page number 81. Okay, your parents will open this page and you will do matching. In this worksheet we have to match the similar numbers. See, one has done with for you. For example, see, one ko one se match kiya hua na, like this we will match all the similar numbers. See, which number is this? 2. Now we will find where is number 2. Here is number 2. So you will match the both number 2. Okay, and this is number 3. And where is number 3? Find out. Here is number 3. So we will match them. Okay, and this is number 7. Now let's find out where is number 7. Here is number 7. So you will match both the number 7. Okay, so in this worksheet you will match similar numbers. Now on the next worksheet, what we will do, you just have to match the square with its object and color them. Okay, देखो मैम ने अभी आपको स्क्वायर शेप दिखाई थी ना, तो यहाँ पे जो सिमिलर शेप्स हैं उनको हम मैच करेंगे. जैसे एक ये किया हुआ है ना, सी स्क्वायर शेप. नाउ इज दिस अ स्क्वायर शेप? नो, बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड, फोर इक्वल साइड. सो आप इससे मैच नहीं करेंगे. नाउ सी दिस बॉक्स, इज दिस स्क्वायर? यस. सो यू विल मैच दिस स्क्वायर विद द गिफ्ट बॉक्स. And see this frame, this is also of square shape. So you will match this frame with the square shape. Okay, now after that you will color them. See, you will color this envelope, you will color this gift box, and you will color this frame. You will do this worksheet on page number 88 and page number 81, and you will send a pic to your class teacher. Bye kids.